गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट टू प्रीवियस क्लासेस आई टॉट यू द यूज़ ऑफ इज एम आर एंड वॉज वर्ड. ओके, तो आज हम इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको फ्यूचर के लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. यूज ऑफ इज एम आर वॉज एंड वर्ड. ओके, आज हम इन सबको एक साथ पढ़ेंगे और आप ताकि आपको पता रहे कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं. ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट विद इज़ और एम. आई ऑलरेडी टॉट यू दैट इज़ और एम जो है सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है और वॉज भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है. इज़ और एम प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है और वॉज जो है पास्ट टेंस में यूज़ होता है. ओके, और अगर आपसे ये सेंटेंस में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ इज़ और एम, सो व्हाट विल बी द पास्ट फॉर्म ऑफ इज़ और एम, इट विल बी वॉज. ओके, क्योंकि इज़ और एम जो है वो दोनों सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होते हैं और वॉज भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है. लेकिन इज़ और एम वी आर यूजिंग फॉर द प्रेजेंट टेंस एंड वॉज वी आर यूजिंग फॉर द past tense. So what is the past form of is or am? It is was. Okay, suppose agar aapko ek sentence mein deti hu ki she is running, so what will be the past of this sentence? Is ka past form kya ho jayega? Was. So she was running. I am jumping. I was jumping. ओके, लाइक दैट. सो डू नॉट गेट बी कन्फ्यूज. आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी सेंटेंस को जिसमें इज और एम है उसका पास्ट फॉर्म बनाना है तो यू विल राइट वॉज इन द प्लेस ऑफ इज और एम. ओके, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इज और एम वी आर यूजिंग फॉर द सिंगुलर नाउन एंड वॉज वी आर यूजिंग फॉर द सिंगुलर नाउन बट इन द पास्ट टेंस. ओके, इज और एम प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और वॉज है वो पास्ट टेंस में यूज होता है. इन दोनों इज और एम का पास्ट फॉर्म क्या हुआ? वॉज. ओके, देन इज आर. फिर आता है आर. आर अगेन वी आर यूजिंग फॉर द प्रेजेंट टेंस, लेकिन आर हम प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं. जैसे इस और एम हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते थे, बट आर वी आर यूजिंग फॉर द प्लूरल नाउन. ओके, एंड व्हाट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ आर? इट इज़ वर. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ वर. ओके, सो आर व्हाट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ सॉरी आर? इट इज़ were. Okay, so do not get be confused about that. Okay, so are means plural noun. Okay, are we use for the plural noun but in the present tense. Okay, and were we are using for the plural noun but for the past tense. Okay, are ka past tense kya hua? Were. Okay, now see here how you will do this. Here are two sentences, inko aapko past form mein change karna hai. Number one is student is playing. Student is playing. So what will be the past form of this? Is here. तो इसका past tense क्या होगा? Was. So what will be the answer? Student was playing. Student was playing. तो इस sentence का answer क्या हुआ? Student was playing. Okay? Then second sentence is students are playing. Students are playing. Present tense, students खेल रहे हैं. वो ये काम अभी कर रहे हैं. तो दिस इज प्रेजेंट टेंस एंड आर इज हियर. सो व्हाट वी विल राइट? हमें पता है आर का पास्ट टेंस क्या होता है? वर. सो व्हाट वी विल राइट? स्टूडेंट्स वर प्लेइंग. सो सेकंड सेंटेंस का आंसर क्या हुआ? स्टूडेंट्स वर प्लेइंग. ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस यू हैव टू डू. डू नॉट गेट बी कन्फ्यूज्ड. इज और एम और आर हम ये प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, वॉज एंड वर हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं. इज और एम का पास्ट टेंस वॉज होता है और आर का पास्ट टेंस वर होता है. ओके, इफ इन योर सेंटेंस इज और एम इज देयर, यू विल चेंज दैट इन टू वॉज वैन यू आर मेकिंग द पास्ट टेंस. ओके, इफ इन द सेंटेंस आर इज देयर, यू विल चेंज दैट इन टू वर वैन यू विल मेक द past tense. Okay, so do not get be confused and write this in your copy students. Okay, write this in your copy and learn this properly. Okay, do not get be confused. बहुत easy है, आपको समझ आ जाएगा, बस एक बार आपको practice की ज़रूरत है. Okay, so is or am का past tense was होता है, is or am हम present में use करते हैं, was हम past में use करते हैं. Okay, जैसे कि
माई मदर इज़ कुकिंग फूड, माई मदर इज़ कुकिंग फूड, मेरी मम्मा खाना बना रही हैं. एंड इफ़ वैन वी चेंज दैट सेंटेंस इन टू पास्ट टेंस, वी विल राइट माई मदर वॉज कुकिंग फूड, मेरी मम्मा खाना बना रही थी. पास्ट टेंस मीन्स अ टाइम विच हैज़ ऑलरेडी गॉन, जो टाइम चला गया है, जो जा चुका है. एंड प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, रनिंग में चल रहा है, एनी एक्शन विच इज़ रनिंग Now only, okay? And past the time which has already gone, जो time जा चुका है. Okay, students? So this chapter is, this is the summary of this chapter. So I hope you all understand that and please learn it carefully. Okay? Thank you.